बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम हीलिंग्स है ना, वो सोते हुए घटित होती है। हम अक्सर जब भी हीलिंग्स की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को मिस कर जाते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्लीप। अक्सर हम सोचते हैं वेट लॉस जो है वो भी जो तुम एक्सरसाइज करेंगे उससे होगा, बट वेट लॉस में भी हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है स्लीप। आपने देखा होगा जो लोग समय से नहीं सोते, समय से नहीं जगते और अपना स्लीप पूरा नहीं लेते हैं, वो बहुत कसरत भी कर लें, बहुत डाइट भी कर लें, तो भी उनका वेट लॉस नहीं हो पाता। रीजन इज वेरी वेरी क्लियर कि हम शरीर को रिलैक्स करने का काम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ रिलैक्सेशन की बात नहीं है बेटा। देखो, जब आप बीमार होते हो, आपकी बॉडी में पेन होता है, लेट से फीवर हुआ, तो आपको पैरासिटामोल लेते हो आप, है ना। क्यों? वो क्या करती है, आपको सुला देती है। ऐसे ही जब आपको मसल्स में पेन है, आप कोई भी मसल रिलैक्स करने वाली दवाई लेते हो, तो वो क्या करती है, आपको सुला देती है। और कहते भी है ना, एंटीबायोटिक ले रहा है आजकल इसलिए से बहुत नींद आ रही है, या फिर ये आजकल पेन किलर ले रहा है ना इसलिए से बहुत नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस भी यही जान मानती है कि सोते हुए हमारे शरीर में मैक्सिमम हीलिंग्स होती हैं। हमें ये लगता है कि मूवमेंट में हमारा शरीर हील होता है, जबकि मूवमेंट से तो हील होता ही होता है, लेकिन स्लीप की अवस्था में हमारा शरीर सबसे अधिक हील होता है। और स्लीप की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो ना, तो उसकी डेफिनेशन ही यही है, जब आपका हार्ट रेट थोड़ा डाउन हो जाता है, जब आप अनकॉन्शियस हो जाते हो थोड़े से, जब आपका बॉडी स्टिल हो जाता है, दैट मीन्स स्लीप इज हैपनिंग। और जब आप स्लीप फिलोसफी को पढ़ते हो, तो आपको पता लगता है स्लीप इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि अगर आप ढंग से सो नहीं रहे हो तो देर इज नथिंग। लेकिन हम जीवन भर सब कुछ चैन की नींद सोने के लिए करते हैं, पर जब सोने का समय होता है, मोबाइल लेके स्क्रोलिंग करते रहते हैं, राइट? या फिर हम बस उस टाइम को पास करते हैं। जिनको परमात्मा ने नींद दी है, उसको उसका वैल्यू नहीं है। समय से न सोना और समय से न जगना, ये एक विशेष साइकिल है, और जब जिसका ये साइकिल बन जाता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। फिर जब आप नॉर्मल स्लीप की बात करते हो, तो आता है कि आपकी जो ये है वो ड्यू कॉल्ड कॉन्शियसनेस पार्शियली सस्पेंड हो जाती है। लेकिन जब हम योग स्लीप की बात करते हैं, तो उसमें आपके नॉर्मल स्लीप वाले तो सारे बेनिफिट्स मिलते ही मिलते हैं, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस भी पार्शियली सस्पेंड नहीं होती। यू रिमेन कॉन्शियस एंड कॉन्शियसली यू हील योर सिस्टम इन योर बॉडी। नाउ यू जस्ट टेल मी वन थिंग, हमें लगता है कि हमारी हीलिंग्स बाहर से घटित होती हैं, जबकि हीलिंग्स हमेशा भीतर से घटित होती हैं। हम अपने आप को, अंदर का सिस्टम हमारा हील करता है। अब आप कहेंगे अंदर का सिस्टम हील करता है, मतलब ये कौन सी बात गुरुजी बोल दी? तो अंदर का सिस्टम हील करता है का सीधा सा मतलब है कि एक उदाहरण ऐसे ले लो, डिजीजेस दो तरह के होते हैं, एक जो अंदर से उत्पन्न हो, एक जो बाहर से है। एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी, वो बाहर से हो, बट अंदर से शुगर लेवल डिस्टर्ब हो गया, ब्लड का प्रेशर डिस्टर्ब हो गया, यानी डायबिटीज हो गई, बीपी हो गया, थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशंस डिस्टर्ब हो गए, हाइपरथायरायडिज्म, हाइपोथायरायडिज्म, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, अनेक अनेक समस्या जो शरीर के अंदर से उत्पन्न हो रही हैं, तो उनका क्योर भी शरीर के अंदर से हो सकता है। जो चोट बाहर से लगी, उसके लिए हमें बाहर से उस पर दवाई लगानी पड़ती है, लेकिन जो चोट बाहर से भी लगी है, लेकिन उसकी हीलिंग अंदर से होनी है। जैसे सारी ही चोट है, चोट लगना वुंड हीलिंग भी उसका एक पार्ट है, बट एक उदाहरण के रूप में हम हड्डी का टूट जाना ले लेते हैं। तो जब हड्डी टूटती है, तो दवाई आपको पेन किलर का काम तो करती है, बट हड्डी को जोड़ने का काम दवाई नहीं करती है, वो आपके शरीर के अंदर की हीलिंग पावर करती है। योग में हम अपनी उस हीलिंग पावर, जिसे हम अपनी विद्युत ऊर्जा कहें, इलेक्ट्रिसिटी कहें, प्राण शक्ति कहें, उसका विस्तार करते हैं। और जब आप सोते हो, तब आपकी मैक्सिमम हीलिंग्स इसीलिए होती है क्योंकि आप निष्क्रिय हैं, और उस वक्त आपका शरीर एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहा है, जो आपके भीतर की एनर्जी है उसको हीलिंग के प्रोसेस में लगा रहा है। लेकिन जितना हमारा शरीर तामसिक होता जा रहा है, वो हीलिंग का प्रोसेस सोते हुए भी कम हो जाता है। तो क्या करना है, जब योग निद्रा का अभ्यास करते हैं, या शवासन का अभ्यास करते हैं, या गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में गाइडेड मेडिटेशन, विशेष रूप से भारत योग की योग निद्रा तो एक अद्भुत चीज है। उसका तो ऑडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है, मिलियंस ऑफ लोग उससे लाभान्वित हो चुके हैं, और आप लोग
सभी उसका अभ्यास कर ही रहे हैं, तो उसको हमें रेगुलरली अभ्यास में लेना, और जितना हम अधिक उसका अभ्यास करते रहेंगे उतना हमारा जो ये एक्चुअली स्लीप मैकेनिज्म है वो काम करेगा और हमारे भीतर की जो हीलिंग्स हैं वो होंगी। तो ये हमें नियम बनाना चाहिए स्लीप फिलोसफी, स्लीप को कैसे जो है अडेप्ट करें, उससे हील कैसे करें। समय पे सोना, समय पे जगना, हमारा एक वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप देखिएगा, सोने से पहले का बेड पे करने वाला योगा अभ्यास और हल्का सा थोड़ा प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास हमें क्या सोने से पहले करना है उसका, वो वीडियो देखिएगा, वो अभ्यास आप सोने से पहले करो, और साथ में योग निद्रा उसके बाद, मतलब दैट शुड बी द लास्ट इंप्रेशन ऑन योर ब्रेन। और एक टाइम फिक्स करो, मुझे इतने बजे सोना है, सुबह का टाइम फिक्स करो, मुझे इतने बजे जगना है। जिसका सोने का समय नहीं है, जिसका जगने का समय नहीं है, उसका बीमार होने का भी कोई समय नहीं होगा और वो कभी भी बीमार हो जाएगा, तो उससे बचें और समय पर सोएं, समय पर जगें, ये महत्वपूर्ण है। और योग निद्रा का अभ्यास नियमित रूप से जरूर करें, आप देखेंगे 80% ऑफ योर एलिमेंट्स विल बी गॉन।